दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे भजन संहिता 119 के कुछ रुचिकर तथ्यों के बारे में। दोस्तों हम नहीं जानते कि भजन संहिता 119 को किसने लिखा है, लेकिन अधिकांश विद्वान यह मानते हैं कि इसे राजा दाऊद एजरा या दानियल द्वारा लिखा गया था। इस भजन संहिता का मुख्य विषय परमेश्वर का वचन और परमेश्वर की व्यवस्था है। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि बाइबल का सबसे लंबा अध्याय भजन संहिता 119 है, जिसमें 176 पद हैं। इस भजन संहिता को बहुत ही खास प्रकार के शीर्षकों का उपयोग करके 22 अलग अलग भागों में बांटा गया है। ये शीर्षक क्या है? ये शीर्षक इब्रानी वर्णमाला के 22 अक्षर हैं। दोस्तों जिस प्रकार इंग्लिश वर्णमाला में 26 अक्षर ए बी सी डी ई एफ से लेकर जेड तक होते हैं, उसी प्रकार इब्रानी वर्णमाला के 22 अक्षर आले बेथ गिमेल दाल से लेकर ताव तक हैं। भजन संहिता 119 की सबसे आश्चर्य की बात यह है कि जो 22 अलग अलग भाग दिए गए हैं, उस प्रत्येक भाग में 8 पद हैं, और ये 8 के 8 पद उसी एक इब्रानी अल्फाबेट से शुरू होते हैं जो उनका शीर्षक है। यह कुछ इस प्रकार है, आलेप के समूह में जो 1 से लेकर 8 तक पद हैं वे आलेप से शुरू होते हैं, उसी प्रकार 9 से 16 तक के सभी पद बेत से शुरू होते हैं और 17 से 24 तक सभी पद गिमेल से शुरू होते हैं। ये इसी प्रकार इब्रानी वर्णमाला के अंतिम अक्षर ताव तक जाते हैं। हालांकि जब हम इस भजन संहिता को इंग्लिश या हिंदी भाषा में पढ़ते हैं तो उस खूबसूरत और अद्भुत इब्रानी वर्णमाला के लेख को नहीं पाते हैं, लेकिन हमारे पास इब्रानी वर्णमाला को सीखने का अवसर है। दोस्तों ईस्टर्न ऑर्थोडॉक्स चर्च में एक ट्रेडिशन है जिसके अनुसार वो विश्वास करते हैं कि दाऊद इस भजन का इस्तेमाल अपने बेटे सुलेमान को इब्रानी वर्णमाला सिखाने के लिए और साथ ही साथ आत्मिक जीवन की वर्णमाला सिखाने के लिए करता था। दोस्तों हमें भी इससे आत्मिक जीवन की वर्णमाला को सीखना चाहिए। एक लाइन से लिखी हुई ये वर्णमाला हमें यह संदेश देती है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करते हैं वह सारी बातों को व्यवस्थित रूप से करने वाले परमेश्वर हैं। वह सारी बातों को क्रमानुसार और एक एक करके करते हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। हम फिर लौटेंगे बाइबल की दुनिया में एक नए वीडियो के साथ।